Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the topics from chapter 8 reproduction and endocrine system of class 8 standard. So students, as this chapter's heading is reproduction, so first we will discuss about reproduction kya hota hai. So hamare jitne bhi living organism is planet earth pe aate hain wo ek na ek din sabko kya hona hota hai certain time period ke baad they just die. Theek hai, and ताकि उनकी स्पीसी जो है वो प्रेजेंट रहे अर्थ पे या उनका मतलब वजूद रहे उसके लिए क्या करते हैं, दे यूज़ टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, और वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, एंड रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. ये एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. इसी की हेल्प से क्या करते हैं, वो अपने जैसे और इंडिविजुअल्स क्या कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं. जैसे यहाँ पे आपको इमेज में शो हो रहा होगा कि जो लेडी हैं, ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूस एज बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज. जो आपके हैंज होते हैं, चिकन्स वगैरह होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स. एंड जो वेल मछली है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी सबसे बड़ी मछली होती है जो समंदर के अंदर रहती है, इट ऑल्सो गिविंग बर्थ टू इट्स यंग वंस. एंड सो दीज आर द मेथड्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग तरह के अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के. अब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है या किस चीज़ में हेल्प करता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन हेल्प करता है लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने में, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल, मान लो किसी स्पीसी का, अगर वो लास्ट इंडिविजुअल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो आगे उनकी स्पीसी नहीं आएगी और वो वहीं पे ही एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो इससे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसमें हेल्प करता है. इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एन स्पीसी, किसी स्पीसी जो मान लो एंडेंजर्ड है या किसी तरह से किसी प्रॉब्लम से डील कर रही है, तो वो रिप्रोड्यूस करने की हेल्प से अगर उन्हें प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसेस या प्ले जो कंडीशंस हैं उनकी वो प्रोवाइड की जाए, तो उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसा हमने कंजर्वेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो हम ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ताकि इनसे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या जो आपके वल्नरेबल स्पीसीज हैं, इनको प्रॉपर स्पेस मिले ताकि वहाँ पर आराम से रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, और लास्ट है इसमें, इन द एवोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फेवरेबल वेरिएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे वैसे एवोल्यूशन भी आता है, आगे चल के डेवलप होता है, इंसान का माइंड भी डेवलप होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एज़ कम्पेयर टू पिछले वाली स्पीसी के, नई स्पीसीज़ में डेवलपमेंट भी आता है. ओके, सो अब जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका जो पेरेंट होता है वही डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में या अपने रिप्रोड्यूस यंग वंस में. उसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती. द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड बाय इट्सेल्फ इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब अपने आप से एक ही जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा डॉटर सेल्स के अंदर, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर गैमेट्स और सेक्स सेल्स. इन्हें गैमेट्स और सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बाइनरी फिशन दिखाई दे रहा होगा जो अमीबा के केस में होता है. इसमें क्या होता है कि सिंगल जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करता है, और डिवाइड करते 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 क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं हमारे एक ही अमीबा से. ठीक है, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. कि मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है. अब जैसा यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है, हमारे पास हाइड्रा का दे रखा है, बडिंग इन हाइड्रा. बडिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स. अब जो बडिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, या कह सकते हो जो बेबी सेल्स होते हैं, वो कैसे डेवलप करते हैं आपके, एज बर्ड्स की तरह डेवलप करते हैं. ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई. जो पेरेंट हाइड्रा होता है उसका न्यूक्लियाई दो में डिवाइड हो जाता है, एंड वन ऑफ द न्यूक्लियाई इज पुश्ड इनटू अ बड लाइक प्रोजेक्शन. और एक न्यूक्लियस किस तरह से बड की तरह निकल जाता है, जैसा आपका न्यूक्लियस हमें अमीबा में तो दिखाई दे रहा था डिवाइड होता हुआ, हाइड्रा में दिखाई नहीं देता, हाइड्रा में बस एक बड निकला हुआ दिखाई देता है हमें. बड से ही हम ये मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस पेरेंट के पास रह गया और एक आपका बड की तरह इसके पास आ गया जो बड निकला हुआ है. एंड आफ्टर सम टाइम जो बर्ड है ये डिटैच हो जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है पेरेंट की बॉडी से, और एक अलग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. और धीरे 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 इसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, इसके पेरेंट की तरह ही हो जाती है. जैसे मतलब जो आपको ये पेरेंट सेल यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा दिखाई दे रहा है, इतना साइज इसका है. आफ्टर सम टाइम ये जो हमारा बर्ड निकला है इसका साइज भी डेवलप होने के बाद इतना ही हो जाएगा.
सो ये था हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की हमने बात की अमीबा और हाइड्रा के बारे में, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो अलग अलग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दो ही सेक्स गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल। इस टाइप से जो मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। द मेल सेक्सुअल यूनिट इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेल गैमेट और स्पर्म। जो मेल सेक्सुअल यूनिट होती है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है उसे मेल गैमेट या स्पर्म कहा जाता है, वाइल द फीमेल सेक्सुअल यूनिट इज टर्म्ड एज फीमेल गैमेट और ओवम। और जो फीमेल सेक्सुअल यूनिट होती है उसको फीमेल गैमेट या ओवम या एग कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ऊपर मेल स्पर्म है और नीचे फीमेल का सेक्स गैमेट है, दैट इज एग। मेल गैमेट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मोर एक्टिव देन फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो साइज में तो छोटे होते हैं बट एक्टिव होते हैं ज़्यादा फीमेल गैमेट से। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। कॉकरोचेज, फ्रॉग्स, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। और हमारे टाइप के मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास गैमेट्स होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, इन सम स्पीसीज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स एग्जिस्ट इन सेम इंडिविजुअल। और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ही दोनों गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेमाफेरोडाइट्स एंड बायसेक्सुअल, मतलब बायसेक्सुअल भी कह देते हैं या हेमाफेरोडाइट्स भी कह देते हैं इन्हें। एग्जाम्पल अर्थफॉर्म्स जैसे होते हैं, लीच जो होते हैं उनके अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। द टू इंडिविजुअल्स टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। जब दो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं उनका साइज और शेप क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इन मलेरियल पैरासाइट्स द टू इंडिविजुअल्स आर डिसिमिलर। और अगर मलेरियल पैरासाइट्स की बात करें जो जिनकी वजह से मलेरिया होता है हमें, जो प्रोटोजोआज होते हैं, उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। आपको यहाँ जायगोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो उन दोनों के मिलने की वजह से जो चीज़ हमारे पास बन के आती है उसे जायगोट कहते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग। जब स्पर्म और ओवम मिलके एक नया सेल डेवलप करते हैं और इस फ्यूजन के प्रोसेस को जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स एंड दे लिबरेट देयर गैमेट्स इन वाटर। एग्जाम्पल्स फिश एंड फ्रॉग्स। फिश और फ्रॉग्स के केसेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये गैमेट्स अपने पानी के अंदर ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, मोस्टली फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। द मेल डिस्चार्जेस गैमेट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। एग्जांपल्स आर ह्यूमन, कैटल, डॉग्स, इंसेक्ट्स। अभी जो ह्यूमंस होते हैं या डॉग्स, कैटल और जितने भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, ये जो मेल गैमेट्स होते हैं इनको डिस्चार्ज कर देते हैं फीमेल्स की बॉडी के अंदर, और उनके अंदर ओवम तो पहले से ही होते हैं, तो वहाँ ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके फर्टिलाइजेशन होता है। और कभी कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो वुमेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बेबीज बियर करने में अनेबल होता है, तो इन केसेस में क्या करते हैं, डॉक्टर्स एग को बाहर फर्टिलाइज करते हैं और उसको बाद में वुमेन की बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं जब उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर बाद में जब बेबी बॉर्न होता है तो वो एक नेचुरल टेक्निक के थ्रू ही बॉर्न होता है, नेचुरल जैसे नॉर्मल बेबीज बॉर्न होते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबीज सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इस टाइप से फर्टिलाइजेशन होता है। एंड द इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। एनिमल्स टुक देयर यंग वंस टिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स एंड रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक कि वो अपने आप से अपना ध्यान रखना ना सीख जाएं या खुद सेल्फ सस्टेन्ड ना हो जाएं और लाइफ की कंटिन्यूटी क्या रहे, बनी रहे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द साइक्लिक मैनर फॉर्म्स द लाइफ साइकिल। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल कहते हैं। मतलब बेबी बॉर्न होता है, फिर वो एक चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से एक एडल्ट बनता है, फिर एक ओल्ड एज में जाके उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और ओल्ड एज में जाने से पहले उसके खुद के बेबीज हो जाते हैं और फिर इस टाइप से वो चाइल्ड बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं। तो इस टाइप से साइकिल चलती रहती है हमारे पास। सिमिलर टाइप से एनिमल्स में भी होता है, वो एग ले करते हैं, उनसे मतलब वॉर्म्स निकलते हैं, वॉर्म्स से फिर वो बड़े होते हैं और फिर बड़े होकर वो एक्सपायर कर जाते हैं, बट एक्सपायर करने से पहले वो एग्स ले करके जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स।
and thank you very much for listening to me so far.